नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। सभी पार्टियों की निगाहें हैं, सभी जनता की निगाहें हैं कि 10 विधानसभा सीटों में देखो भाजपा कितनी जीतती है, सपा कितनी जीतती है या अन्य पार्टियाँ कितनी जीतती हैं। लेकिन उस उपचुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में एक चुनाव हुआ पंचायत का। पंचायत के चुनाव में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, जिसमें कोई भी पार्टी अपना समर्थित उम्मीदवार नहीं खड़ा करती, चाहे प्रधान का हो चाहे बीडीसी का हो। लेकिन जो डीडीसी का चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, जिसके माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं, वहां पर बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आजाद समाज पार्टी हो, सभी पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करती हैं। खबर हमारे पास कई जिलों से आ रही है धीरे धीरे, क्योंकि कोई बहुत बड़ी खबर भले ना हो, लेकिन एक संकेत आपको यहां पर देखने को मिलेगा। खबर आई है हमारे पास बांदा जिले से। बांदा जिले में बांदा लोकसभा सीट से कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी की सांसद चुनी गई हैं। कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी की सांसद चुनी गई हैं। ये पहले थी जिला पंचायत सदस्य, इनकी सीट हो गई है खाली। जब इनकी सीट खाली हुई तो इनकी सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव हुआ तो यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुजन समाज पार्टी से दीवान सिंह तोमर बीएसपी से लड़े थे, दीवान सिंह तोमर 2651 वोट पाए। और समाजवादी पार्टी से अशोक यादव लड़े थे, इनको मिला है 1947 वोट। और उसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार को मिला है 1585 वोट। और बीजेपी के अभिषेक लड़े थे, बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है इसको मिला है 515 वोट। अब आप समझ सकते हैं बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पर शानदार जीत हुई है। जब बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पर शानदार जीत हुई है तो बहुजन समाज पार्टी का जनाधार अभी भी, मैं आपको बता दूं, है। जिला पंचायत के चुनाव में अच्छा उम्मीदवार अगर बसपा खड़ा कर देती है तो चुनावी जीत हो जाती है। अगर हम चलते हैं विधानसभा के चुनाव में तो बसपा में मैंने देखा है कि उम्मीदवार अचानक से आ जाते हैं, जिससे बसपा को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मैं बता दूं, और भी चुनाव हुआ है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। मुजफ्फरनगर में चुनाव हुआ, वार्ड संख्या 17 में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लगभग 3000 वोटों से चुनाव जीता है, समाजवादी पार्टी ने जिसको समर्थन दिया था। नवाबगंज बरेली में चुनाव हुआ है, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 1827 वोटों से चुनाव जीता था। उसके अलावा शाहजहांपुर में चुनाव हुआ है, जहां पर दयाराम चुनाव जीते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार थे लेकिन महान दल ने उनको समर्थन दिया था। इसके अलावा चिल्लूपार में चुनाव हुआ है, जो है गोरखपुर, वहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। अगर हम जितने आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं इनमें देखें तो सपा एक नंबर पर है, बसपा दो नंबर पर है, भारतीय जनता पार्टी तो कहीं कहीं अपनी जमानत भी जब्त करवा चुकी है। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय बताइए। और मैं आपको बता दूं, यह जो चुनाव है, इस चुनाव से यह संकेत देखने को मिलता है कि किस पार्टी की तरफ लोगों की मानसिकता है, ट्रेंड किस तरफ है। बहुत सारे लोग कहेंगे जिला पंचायत के चुनाव से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल हम मानते हैं कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ होता है, क्योंकि जो आपके जिले में ठीक ठाक नेता होंगे, जो अपनी राजनीतिक रसूख रखने वाले नेता होंगे, वे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव उनके परिवार से या उनके घर से या उनकी पत्नी या उनका बेटा कोई ना कोई चुनाव लड़ता है, जिससे एक समाज में बना रहे कि हाँ हम राजनीति में हैं। कई जानने वाले पूर्व विधायक को मैंने देखा है, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को मैंने देखा है, पूर्व सांसद को देखा है कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जरूर लड़वाते हैं। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।